ये हम 34 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग डीप नेक सूट की कटिंग करेंगे। तो हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे इधर 5.5 इंच पर, आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। इन निशानों को हम मैच कर लेंगे पहले। अब ये लंबाई का निशान लगाएंगे हम ये कमर का 14 इंच पर, और हिप का निशान लगाएंगे हम 20.5 इंच पर। सूट की लंबाई है 38 इंच, तो हम यहाँ 38 इंच पे निशान लगा देंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट है 34 इंच, तो हम इधर 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर है 28 इंच, तो हम इधर 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप है 36 इंच, तो हम इधर 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और इन निशानों को हम मैच कर लेंगे पहले इस तरह से। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। इसी तरह से हम चाक के निशान भी लगा लेंगे जो फोल्ड करने हैं हमें। इधर निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच की दूरी पर बैक आर्म होल का, इसे हम गोलाई दे देंगे। नेक हमें ड्रॉ करना है 2.5 इंच चौड़ाई लेनी है। लंबाई है नेक की 6.5 इंच, तो इधर हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और फ्रंट नेक हमारा गोल ही है, तो हमें इसे गोलाई में ही निशान लगाने हैं। इधर हम कंधे डाउन करेंगे 1/2 इंच, और ये हमारा निशान ड्रॉ हो जाएगा सिलाई का। इसी तरह से हम फ्रंट आर्म होल का निशान भी लगा देंगे 1/2 इंच की दूरी पर, और इसे कट करके निकाल लेंगे सूट को पहले। और हम इधर कट लगा देंगे, ये हमारी लंबाई का हो जाएगा। और यहाँ हम हिप का निशान कट लगाएंगे, ये कमर का हो गया, ये चेस्ट का हो गया। अब हम नेक कट कर लेंगे, और इसी तरह से हम आर्म होल भी कट कर लेंगे। अब हमें बैक नेक का निशान ड्रॉ करने हैं, तो हम इधर 9 इंच पे निशान ड्रॉ करेंगे। और इस निशान को ड्रॉ करके हम नेक कट कर लेंगे बैक का भी। तो ये सूट हमारा कट हो चुका है। अब सूट हटा देंगे हम, और बाजू का फैब्रिक बिछाएंगे 4 फोल्ड करके। बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो हम इधर 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। बाजू की मोहरी है 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गोलाई का निशान लगाएंगे हम इधर 6.5 इंच पे, इस निशान को सीधा कर लेंगे। आर्म होल है 14 इंच, तो हम इधर 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो ये 14.5 इंच तैयार आएगा आर्म होल। और इधर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और इन निशानों को भी हम मैच कर लेंगे। और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल लेंगे हम अपनी स्लीव्स। ये हमारी बाजू भी कट चुकी है, इधर हम कट लगा देंगे फोल्ड करने के लिए। और ये आर्म होल का कट हो गया। इसी तरह से हम फ्रंट आर्म होल में भी गोलाई कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल कट चुका है। तो ये हमारा सूट कट के तैयार है। सूट की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।